Hello students, today I'm gonna teach you how to draw a kingfisher bird. So watch my video carefully. सबसे पहले हम बर्ड बनाने के लिए किंगफिशर बर्ड बनाने के लिए बीक से स्टार्ट करते हैं, चोंच से स्टार्ट करते हैं उसकी। तो हमने चोंच ऐसे शेप देना है यहाँ से, लाइक दिस। इस तरह से पेंसिल हमने मूव करनी है। ये देखिए, ये देखिए। अब ये यहाँ से, अब यहाँ से हम अपर हेड साइड इसका ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लेकर आनी है पेंसिल। ये भी हमारा फ्रेंड से ड्रॉ करेंगे इस तरह से। 10 तक लेकर आएंगे इसका बॉडी प्रोपोर्शन। अभी हम यहाँ से नीचे से लेते हैं पार। यहाँ थोड़ा सा हमें कर्व दिखाना है इसके बैक पे। यहाँ हम विंग्स दिखाएंगे, लाइक दिस। और अब हम यहाँ से विंग्स के लिए डिवाइड कर रहे हैं पार्ट। बर्ड की थोड़ा सा मैं पोजीशन ठीक करूंगी। अब मैं यहाँ पर आपको फीडर्स ड्रॉ करना दिखाऊंगी, कैसे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ टेल पे हम फीडर्स दिखाएंगे। अब यहाँ हम बर्ड को हमें यहाँ पर एक वुडन पर बैठा हुआ दिखाना है। इस तरह से हम वुडन दिखाएंगे, ब्रांच दिखाएंगे ट्री की। तो सबसे पहले हमने बीक बनाई है, फिर अपर हेड से लेकर हमने ऐसे इसका प्रोपोर्शन लेना है। टेल से लेकर अगेन हम बीक पे यहाँ से आ जाएंगे, फिर डिटेलिंग दिखानी है अंदर हमें फेदर्स की। ब्रांच पे हमने यहाँ पर लीफ दिखानी है। इस तरह से लेकर जाएंगे, ये इस तरह से ड्रॉ करनी है आपको।
बेटा यहाँ पर अभी हमने ब्लैक आउटलाइन कर दिया है, पेंसिल से ड्रॉ किया था उसके ऊपर ब्लैक आउटलाइन कर दिया है, तो आपको भी ब्लैक आउटलाइन करना है स्केच पेन से। अब मैं इसके अंदर आपको हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग सिखाऊंगी। पेंसिल कलर है मेरे पास, बट हमें ये स्केच पेन से करना था, स्केच पेन नहीं है, अभी लॉकडाउन की सिचुएशन है तो हम पेंसिल कलर से ही करेंगे। अगर आपके पास पेंसिल कलर भी नहीं है घर में तो आप पेंसिल से करेंगे ये हैचिंग, जैसे मैं अभी आपको हैचिंग सिखाऊंगी वो आप पेंसिल से करेंगे। जब लॉकडाउन खुल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो आप दोबारा इसको ड्रॉ करेंगे पेंसिल कलर से, स्केच पेन से। या फिर सबसे पहले हम यहाँ ये ब्रांच दिखाई है वुडन, उसमें आपको मैं हैचिंग सिखाऊंगी, क्रॉस हैचिंग। पहले हम हैचिंग बताएंगे आपको कैसे करनी है। यहाँ पे ऐसे लाइन लेनी है, इसको हम हैचिंग बोलते हैं। इस तरह से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ये फ्री हैंड लाइन की प्रैक्टिस करेंगे आप पेंसिल से, फिर आप स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक में हैचिंग लाइंस ड्रॉ करना। विदाउट स्केल आपको ड्रॉ करनी है लाइन। करने को हम हैचिंग बोलते हैं। इसमें अभी हम क्रॉस हैचिंग करके बताएंगे। अब हम क्रॉस हैचिंग करेंगे इसमें, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे क्रॉस हैचिंग। ये देखिए इस तरह से क्रॉस हैचिंग हो गई। इसको हम हैचिंग बोलेंगे। तो इस तरह से आपको पहले हमने क्या, इस तरह से लाइन ली थी स्ट्रेट, अब आपको इस तरह से ले अदर दूसरे साइड, आपको दूसरी डायरेक्शन में आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरह से हम हैचिंग करेंगे। अब आगे मैं कंटिन्यू करके दिखाती हूँ आपको। ये हैचिंग हमने कर दी है, इसके अंदर कलरिंग नहीं करेंगे हम, हैचिंग सीखेंगे इसके अंदर। क्रॉस हैचिंग हो गई है, फर्स्ट हमने हैचिंग करी थी, नेक्स्ट क्रॉस हैचिंग। अब इसी तरह से मैं आपको लीव्स में हैचिंग करके दिखाऊंगी। ग्रीन कलर लेंगे हम लीव्स में हैचिंग करने के लिए। आपको ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से, ये देखिए अब यहाँ क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ देखेंगे आप इस तरह से सिंपल हैचिंग। यहाँ पे ये क्रॉस हैचिंग दिखाऊंगी मैं आपको, ये क्रॉस हैचिंग हो गई। हम यहाँ पे हैचिंग इस तरह से करेंगे, ये क्रॉस हैचिंग हो गई हमारी। तो ये हमारी लीव्स में भी हैचिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आपको ये वाली ब्रांच में रहती है इसमें कर लेती हूँ। यहाँ हम ऑरेंज कलर फिल कर देंगे, इस साइड हमें हैचिंग नहीं दिखानी है लिम्स में। कलर आउट नहीं होना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ का। पेन या रेड कलर से हम हैचिंग करेंगे। यहाँ थिन लाइंस में गैपिंग थोड़ी कम होनी चाहिए हैचिंग में बर्ड के अंदर। ये स्टार्ट कर दिया हैचिंग हमने, इस तरह से अभी हैचिंग करेंगे बॉडी में। बहुत इंटरेस्टिंग
मार्क्स के अंदर ब्लैक फिल कर देंगे कलर। ये हमने इस तरह से पूरा फिल कर दिया है, ब्लैक कलर कर दिया है बीच में। थोड़ा सा यहाँ पे वाइटनिंग छोड़ेंगे, डार्क एंड लाइट टोन दिखानी है हमें, वाइट थोड़ा सा लाइट शेडिंग करेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ पे दिखाऊंगी करके, इस तरह से हमने लाइन लेंगे सिंपल। यहाँ पे हम ऐसे हैचिंग नहीं दिखाएंगे, सिंपल लाइंस ड्रॉ करनी है आपके। यहाँ हम येलो कलर दिखाएंगे, यहाँ ऐसे ही आपको आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ध्यान से देखेंगे कैसे मैंने ड्रॉ करा है। यहाँ पे डार्क ब्लू कलर है, ये हमने यहाँ लाइट ब्लू यूज़ किया था। यहाँ हम पर्पल कलर करेंगे, यहाँ हम रेड कलर करेंगे। एंड दिस साइड ये लास्ट बचा है हमारा, यहाँ हम डार्क ग्रीन दिखा देते हैं। तो ये कलरफुल बर्ड हमारी रेडी हो चुकी है पूरी तरह, और थोड़ी सी फिनिशिंग दिखाएंगे इसके अंदर। यहाँ हमारी बर्ड कंप्लीट हो गई है अच्छे से, ड्राइंग एंड कलरिंग हैचिंग सब कंप्लीट हो गया। तो आप भी घर पे ट्राई करेंगे ऐसे ही हैचिंग की प्रैक्टिस करेंगे, पहले रफ पेपर पे आप सिंपल लाइन की विदाउट स्केल ड्रॉ करना, फिर क्रॉस हैचिंग की प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से घर पे ब्यूटीफुल बर्ड बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से हैचिंग देखें।